बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पाक स्टडी 301 का लास्ट क्विज करेंगे, क्विज नंबर 5। आज के जो आप लोगों का क्विज है ना, इसमें भी इसमें से सारे के सारे आपके एमसीक्यूज इसी में जाएंगे इंशाल्लाह। 10 तो पक्के आएंगे, कोई कोई ऐसा स्टूडेंट हुआ अगर उसके 9 आ गए तो आ गए, वरना 10 एमसीक्यू इसमें से पक्के हैं। ठीक है, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन आपने ऐसे करनी है कि फाइनल टर्म का जब आप लोग पेपर देने के लिए जाएंगे तो उससे पहले क्विज नंबर 3, क्विज नंबर 4, क्विज नंबर 5 की वीडियोस आप लोगों ने देख के जाना है, और इसके अलावा लेक्चर्स लाजमी लें। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स होते कहते हैं अब तो वैसे भी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है तो बड़ा ही आसान होगा, आसानी से कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, आप लोगों को लेक्चर्स लाजमी लेना ही पड़ेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज की ऐसे वीडियो की तरफ। हम लोग बात करते हैं आज एमसीक्यूज की। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट घोस्ट स्कूल्स। घोस्ट स्कूल्स वो होते हैं कि पेपर वर्क में स्कूल्स मेंशन होते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये स्कूल्स पाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी में वो स्कूल्स को एग्जिस्ट नहीं करते। तो घोस्ट स्कूल्स वो होते हैं जो कि सिर्फ पेपर्स पर ही एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर्स, ये वाला इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, व्हाट वेयर आर द डिपॉजिट्स ऑफ सल्फर फाउंड इन पाकिस्तान। कालात, खैरपुर और मर्दान में सल्फर के डिपॉजिट्स मौजूद हैं। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से आप लोगों ने सारा सही करके रट्टा लगा के जाना है। क्रोमाइट कौन कौन से इलाकों में है, जिप्सम कौन कौन से इलाकों में है, ऑयल के रिजर्व्स कौन कौन से इलाकों में है, सल्फर कौन कौन से इलाकों में है, गैस कौन कौन से इलाकों में पाई जाती है, ये सारे के सारे आप लोग ने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। सल्फर जो है ये कालात, खैरपुर और मर्दान, ये वाला जो है ना ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, स्टील मिल्स ऑफ पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन। स्टील मिल्स कराची में वाकया है, कराची में है ये। विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। कौन सा फॉरन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप लोग हैंड आउट्स की बात करते हैं ना, हैंड आउट्स में ये चारों के चारों ऑप्शंस मेंशन है। ठीक है, कि फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये चारों के चारों ऑप्शंस जो है ना ये मौजूद हैं। ठीक है, बट अगर जो आप लोगों का वो पैराग्राफ है ना कि जिसमें फीचर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, फीचर्स के अंदर इंडिपेंडेंस, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस का जिक्र है, उसके बाद आर्म्स फोर्सेस का, डिफेंस का जिक्र है, और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का जिक्र है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर हम लोग प्रोमोशन ऑफ डीकोलोनाइजेशन को ही हम लोग मार्क करेंगे, वरना वैसे अगर उस पूरे चैप्टर को हम लोग डिटेल में स्टडी करें ना, तो फॉरेन पॉलिसी डीकोलोनाइजेशन को भी सपोर्ट करती है। ठीक है, बट यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर ये भी वाला ही इसका जो है ना वो राइट आंसर हो सकता है यहाँ पे किसी हद तक, प्रोमोशन ऑफ डीकोलोनाइजेशन। आगे चलते हैं, विच पॉलिसी प्रोमोट्स फ्री इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी होती है जो कि कहती है फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी होनी चाहिए, नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी होने चाहिए। प्राइवेटाइजेशन इज द राइट आंसर। पाकिस्तान इज लैकिंग बिहाइंड इन एजुकेशन सेक्टर। पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर में क्यों पीछे रहता जा रहा है, इसका रीज़न क्या है। स्टूडेंट टीचर रेशो बहुत हाई है, यानी कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और टीचर्स जो है ना उस हिसाब से कम है, तो स्टूडेंट टीचर रेशो इज़ वेरी हाई। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज इन एनिमल GDP इज डैश इन पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान का जो सालाना जो GDP होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें एग्रीकल्चर 26% इसका जो है ना वो पार्ट प्ले करती है, तो 26% इसका राइट आंसर है। IDBP stands for इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। विच लेवल ऑफ एजुकेशन शुड बी मेड यूनिवर्सल। प्राइमरी लेवल का कहते हैं कि प्राइमरी लेवल को यूनिवर्सल होना चाहिए, तो प्राइमरी लेवल इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स डू नॉट नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट एट इंस्टीट्यूट एंड कैन स्टडी रिमोटली, यानी कि वो वाला मोड ऑफ एजुकेशन जिसमें स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूशन में जाना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि वो दूर बैठे भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो वाला मेथड जो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम का होता है, हम लोग उसको डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस एजुकेशन इसका राइट आंसर है।
पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड एशिया एंड अफ्रीका इन देयर स्ट्रगल फॉर विच ऑब्जेक्टिव। पाकिस्तान ने हमेशा एशिया और अफ्रीका को डीकोलोनाइजेशन में सपोर्ट किया है कि कॉलोनियल सिस्टम को ख़त्म करने में जो है ना उन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, तो डीकोलोनाइजेशन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ रिच इन जिप्सम। जिप्सम जेहलम में ज़्यादा पाई जाती है, तो जेहलम जो है ना ये यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हाउ मच एरिया इज़ कवर्ड बाई फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जंगलात सिर्फ 5% मौजूद हैं। पूरे जो पाकिस्तान का एरिया है ना, इसमें से 5% एरिया फॉरेस्ट पे मुश्तमिल है। उसके बाद है इन विच ईयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश हुए थे 1961 में, तो 1961 इसका राइट आंसर है। अंडर द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन हाउ मैनी इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन के मुताबिक हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन कुछ 10 इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया था, तो 10 जो है ना ये इसका राइट आंसर है। 10 इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। चूज द प्रोफेशनल एजुकेशनल फील्ड अमंग द फॉलोइंग। प्रोफेशनल एजुकेशनल फील्ड कौन कौन सी है? बिजनेस भी है, ठीक है, ये एक प्रोफेशन भी होता है और एजुकेशन भी इसकी दी जाती है। कॉमर्स भी ऐसा ही है और इंजीनियरिंग भी ऐसा ही है, प्रोफेशन भी है, एजुकेशन भी दी जाती है और कॉमर्स का भी यही हिसाब है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इसका राइट आंसर है। व्हाट डज द टर्म बायलेटरल रिलेशंस इंडिकेट। बायलेटरल, बाय का मतलब होता है टू, ठीक है, तो बायलेटरल रिलेशंस का मतलब होता है दो रियासतों के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है। मल्टाई लेटरल रिलेशंस होते हैं कि जो बहुत सारी स्टेट्स के दरमियान या तीन से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस पाए जाते हैं। इन विच ईयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वाज इस्टेब्लिश। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, बच्चे इसको मिक्सअप कर देते हैं। इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश हुए थे 1961 में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश हुए थे 1948 में, तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। वेयर आर द डिपॉजिट्स ऑफ सल्फर फाउंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सल्फर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं कालात, खैरपुर और मर्दान में, ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स में आता है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। What percent of industry Pakistan inherited at the time of partition? जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जब पार्टीशन हुई थी इंडिया की, तो उस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ 4% इंडस्ट्री दी गई थी इंडिया के इंडस्ट्रीज़ में से, तो यहाँ पर इसका 4% जो है ना ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन डैश पाकिस्तान। खरीफ क्रॉप्स होती हैं जो कि मई जून में जो है ना वो बोई जाती हैं, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। खरीफ क्रॉप आर सोन इन मई एंड जून। अच्छा, उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑयल रिजर्व्स आर फाउंड इन पाकिस्तान। तेल के जो जख़ीरे हैं वो पाए जाते हैं जेहलम में, मियांवाली में और अटक में पाए जाते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिपॉजिट्स ऑफ क्रोमाइट आर फाउंड इन पाकिस्तान। क्रोमाइट के जो जख़ीरे हैं वो ज़ोब में पाए जाते हैं, तो ज़ोब जो है ना ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। विच कंट्री हैज़ रिमेंड अ रिलायबल एंड कंसिस्टेंट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, चाइना ही है जो कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा एक हमेशा से दोस्त रहा है। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जब बांग्लादेश सेपरेट हो गया था हमारे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को किस चीज़ की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा था? पेपर की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पेपर वाली जितनी भी मिल्स हैं वो ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद थी, तो जब वो अलग हो गया तो फिर पाकिस्तान को पेपर की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा था। विच स्टेट ग्रांटेड टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एड टू पाकिस्तान इन लॉन्चिंग कराची स्टील मिल्स। जब कराची स्टील मिल्स बनाई जा रही थी, वो वाली मिल का जो है वो इस्टेब्लिश की जा रही थी, तो उस वक्त रशिया ने वादा किया था कि पाकिस्तान को माशी तौर पे भी और टेक्नोलॉजिकल तौर पे भी मदद करेगा, तो रशिया जो है ना ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर विच कंट्री साइडेड विद इंडिया ऑन द कश्मीर इशू। जब कश्मीर के जो इशू था इस पे रशिया ने इंडिया का साथ दिया था, ठीक है, तो रशिया इसका जो है ना वो राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस डू नॉट प्रोवाइड डिस्टेंस एजुकेशन।
आपको पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करती है, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ये डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती। विच स्टेट ग्रांटेड टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एड टू पाकिस्तान लॉन्चिंग कराची स्टील मिल्स, ये दोबारा से रिपीट हो गया, रशिया ने वादा किया था। उसके बाद आगे चलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स। सेकेंडरी एजुकेशन होती है 9 से 10 तक, ये आप लोगों के काफ़ी सारे MCQs आते हैं, आप लोगों ने याद रखना है। प्राइमरी लेवल होता है 1 से लेके 5 तक, मिडिल लेवल होता है 6 से लेके 8 तक, सेकेंडरी लेवल होता है 9 से लेके 9 और 10, हायर सेकेंडरी होता है 11-12, और 11-12 के बाद फिर यूनिवर्सिटी लेवल आ जाता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी लेवल के बाद फिर अगेन आगे जो है ना वो हम लोग उसको हायर सेकेंडरी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल को। फिर उसके बाद पोस्ट यूनिवर्सिटी लेवल या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल आ जाता है। उसके बाद द फर्स्ट गैस रिजर्व्स इन पाकिस्तान वर फाउंडेड, सबसे पहले जो गैस के ज़खीरे थे पाकिस्तान में वो सूई के मकाम पर पाए गए थे, बलूचिस्तान में। सूई जो है ना, ये इसका राइट आंसर है। व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान रिजाइड इन रूरल एरियाज, पाकिस्तान में 70% आबादी है जो कि देहातों में रहती है, तो रूरल एरियाज में 70% पॉपुलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एंड प्लान्स प्रोवाइडेड एक्सटर्नल फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू पाकिस्तान, कौन से प्लान्स हैं जब वो पाकिस्तान में, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने वादा किया था कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो वो है IMF, वर्ल्ड बैंक एंड कोलंबो प्लान, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड कोलंबो प्लान, ये इसका राइट आंसर है। स्पेशलाइज्ड डिप्लोमास आर ऑफर्ड एट विच ऑफ द लेवल ऑफ एजुकेशन, आपको पता है यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है कि स्पेशल किस्म के डिप्लोमा भी हमें ऑफर किए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल इसका राइट आंसर है। हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिर्फ 5% एरिया फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है। मिडिल लेवल एजुकेशन हमारे यहाँ 6 से लेके 8 तक होती है। व्हाट डज पाकिस्तान न्यूक्लियर पॉलिसी प्रमोट इन द साउथ एशियन रीजन, न्यूक्लियर पॉलिसी में एक तो ये है कि डेटरेंस भी प्रमोट हुई और बैलेंस ऑफ पावर भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया के पास जब पहले पावर आई थी न्यूक्लियर पावर, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी उस पावर को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर पावर अचीव की थी, तो डेटरेंस एंड बैलेंस ऑफ पावर जो दोनों इसके राइट आंसर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज रिच इन जिप्सम, जिप्सम सबसे ज़्यादा जेहलम में पाई जाती है, तो जेहलम इसका राइट आंसर है। विच स्टेट ग्रांटेड टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक एड, ये रशिया ही है, हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। प्राइमरी कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज अचीव्ड वाया, किसी भी मुल्क की जो सिक्योरिटी का जो एक मरहला होता है या सिक्योरिटी का जो एक कंसर्न होता है उसको कैसे अचीव किया जाता है, डिप्लोमेसी के थ्रू और मिलिट्री अरेंजमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये दोनों आंसर इसके राइट हैं, बोथ मिलिट्री अरेंजमेंट्स एंड डिप्लोमेसी। विच रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन, पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको अडॉप्ट किया था, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये थे आप लोगों के सारे MCQs, इंशाल्लाह सारे MCQs आप लोगों के इसी में से आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ रहिए, लेक्चर्स लीजिए और उसके बाद कोई वीडियोस आप लोग वॉच कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों के 40 के 40 मार्क्स, बल्कि आई थिंक अभी तो आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स का पेपर होगा क्योंकि फाइनल होता है ना, तो वो ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके। तो खैर जो भी है, आप लोग बस लेक्चर्स लें और उसके बाद आप लोगों ने कोई वीडियोज़ देखनी है, आप लोगों के सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।